हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद रदी अल्लाह ताला अनु कहते हैं, हजरत मुहद्दिस इब्ने जोजी ने किताब उयूनुल हिकायात में इसको लिखा कि आप कहते हैं मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, एक नौजवान तवाफ करते हुए रोते हुए एक ही दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मुझे खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। फिर मैंने उसको देखा मकाम इब्राहिम पर यही दुआ कर रहा है, मुल्तजम पर यही दुआ कर रहा है। मैंने बाद में इससे पूछा क्या तुझे और दुआएं नहीं आती, तू एक ही दुआ करता है। उसने कहा बात यह है कि मेरे दो भाई थे, दोनों बजाहिर बड़े नेक थे, बजाहिर बड़े सौले थे, दीन का काम भी करते थे, मगर हुआ यह कि बड़े भाई का जब इंतकाल होने लगा, वो मरने लगा, तो हमसे कहने लगा मुझे कुरान दो, हम समझे कुरान को चूमेगा बरकतें हासिल करेगा, लेकिन इसने कुरान लेकर गुस्ताखी की और कहने लगा मैं इस कुरान से बेजार हूं, मैं यहूदी बनता हूं। और इसी हाल में हमने बड़ा समझाया लेकिन ये अपने कुफर पर कायम रहा और इसी हाल में मर गया, उसका ईमान बर्बाद हो गया। फिर दूसरा भाई नेकियों वाली जिंदगी गुजारी, लेकिन जब मरने लगा तो इसने भी कुरान मांगा, हमने कुरान दिया, इसने बेअदबी की और कहा तुम सब गवाह हो मैं ईसाई होता हूं, हमने बड़ा समझाया लेकिन वो ईसाई होकर मरा। अब मैं रह गया हूं, मुझे अपने ईमान की फिक्र है, मुझे डर लगता है कि कहीं ईमान बर्बाद ना हो जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने उससे पूछा तेरे भाई बजाहिर नेक बनते थे, सूरत भी नेकों जैसी थी, आमाल भी नेक थे, तो कोई तो गुना छुप कर करते होंगे, कोई तो गुना छुप कर करते होंगे। कहा मैं इनके गुना जानता था, ये अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करते थे, ना महरम औरतों में दिलचस्पी रखते, औरतों और बच्चों से नाजायज ताल्लुकात रखते, यानी बदनिगाही करने की वजह से उन पर यह मुसीबत आई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद ने कहा ऐ नौजवान, जो गुनाह करता है खतरा यह है कि मरते वक्त उसका ईमान बर्बाद हो जाए, तो अपनी निगाह की हिफाजत कर, और जो गुनाह तू छुप कर करता है उसे छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह तेरे ईमान को बर्बाद कर दें। तो हमें डरना चाहिए, इससे बड़ा गुनाह नमाज को कजा कर देना है, सूद खाना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, शराब पीना। हाय अफसोस, हमारे इस माशरे के अंदर शराब भी आम होती जा रही है। जो लोग नामहरम औरतों से इंटरनेट के जरिए, चैटिंग के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए ताल्लुकात रखते हैं, वो सोचें कि कहीं ये नाजायज ताल्लुक इनके ईमान को बर्बाद न कर दे। आज दुनिया बेखबर है, आज दुनिया के सामने ये ऐब जाहिर नहीं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। नाजायज हर काम से तौबा करें। इदा उल्कू फीहा, जब ये जहन्नम में फेंके जाएंगे, समयू लहा शही कौ वही तफूर, तो वो जहन्नम की चीखो पुकार सुनेंगे। जहन्नम उस वक्त जोश में होगी, जलाल में होगी, और वो जहन्नम का जोश होगा, ऐसी खौफनाक आवाज होगी, और वो कह रही होगी कि अल्लाह के दुश्मन कहां है, कहां हैं, मैं इन्हें सजा दूं। तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, करीब होगा कि वो गैज और गजब और गुस्से से फट जाए। जहन्नम फटेगी नहीं, लेकिन मुराद ये है कि इसका गुस्सा जहन्नमियों पर अपने उरूज पर होगा, जहन्नम इंतहाई जलाल में होगी कि ये हैं अल्लाह के दुश्मन। कुल्लमा उल्किय फीहा फौजुन, जब कभी उस जहन्नम में कोई गिरोह फेंका जाएगा, सअलहुम खजनतुहा,
تو جہنم کے داروغہ حضرت مالک اس سے پوچھیں گے الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے. کیسی حسرت ہوگی ان کی آوازوں میں، کیسا وہ رو رہے ہوں گے، کیسی ندامت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. فکذبنا، ڈر سنانے والے تو آئے مگر ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہماری بربادی، ہائے ندامت. لو کنا نسمعو، اگر ہم بات غور سے سنتے، او ناقلو، یا ہم میں عقل ہوتی، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمی نہ ہوتے. ہائے افسوس، ہم بے عقل تھے، ہم نے غور سے نصیحتوں کو نہیں سنا، اپنی آخرت کو برباد کیا. فاعترفوا بذنبهم، تو ان جہنمیوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، یعنی وہ کل بروز قیامت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، تو جہنمیوں پر لعنت ہو. اب اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، عذاب دیکھا نہیں، جہنم دیکھی نہیں، قبر کا عذاب دیکھا نہیں، دنیا کا عذاب دیکھا نہیں، عیش و عشرت میں ہے مگر توبہ کر لیتے ہیں کہ رب اگر گرفت فرمائے گا تو میرا کیا ہوگا. لہم مغفرت و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے.